कैंट पुलिस ने मारपीट व लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पार्क रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राघव सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी गौतम विहार MIG 60 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 23 जुलाई को शाम 8 बजे होटल क्लार्क गोरखपुर की पार्किंग में से एक सफेद i20 कार द्वारा बैक करते समय आवेदक डॉक्टर शुभांकित की गाड़ी टाटा सफारी से छू गई। गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों द्वारा आवेदक उपरोक्त के गाड़ी को घेर कर बाहर निकाला गया एवं उसमें से एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उससे गाली गलौज करते हुए डॉक्टर शुभांकित आर्य पर हमला कर दिया और उनकी गोल्ड चेन छीनी एवं उनका चश्मा भी तोड़ दिया। उस समय आवेदक अपने बचाव की कोशिश की किंतु अपने आत्मरक्षार्थ में सफल नहीं हुआ। हमला करने वाले संख्या में 3 थे जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने 2 अन्य मित्रों के साथ होटल क्लार्क के बार से निकल रहा था, तभी पार्किंग स्थल पर ही वादी से उनकी भिड़ंत हो गई और उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक घटना को कारित करते हुए वादी की चेन छीनकर भाग गए। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राजेश यादव, संदीप शामिल रहे।